कई लेडीज को इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, उनके पीरियड्स आने का कुछ भी फिक्स नहीं होता है, हर बार अलग अलग शेड्यूल होता है। कुछ को 2-3 महीने में एक बार पीरियड आता है, कुछ महिलाओं को 1 महीने में 2 बार पीरियड आ जाता है, पीरियड लेट आते हैं या फिर बहुत कम ब्लीडिंग होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा रामबाण घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ जिससे बिना दवा और बिना किसी को बताए ही आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका मंथली साइकिल एकदम ठीक हो जाएगा। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं ई कुंजी चैनल पर। चलिए मैं आपको बताता हूं इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने का ये रामबाण नुस्खा आपको कैसे तैयार करना है। इरेगुलर पीरियड्स के लिए घरेलू नुस्खा बनाने के लिए हम एक पैन में एक गिलास पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम लो कर देंगे। इस पानी में हमको अपनी रसोई में से कुछ चीजें लेकर डालनी है, वो मैं एक साथ इकट्ठी कर रहा हूं। तब तक मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस नुस्खे को लेने का सही तरीका भी पता चलेगा और कुछ ऐसी बातें भी पता चलेंगी जो आपको पीरियड के दौरान ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आपको लाइफ में कभी भी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो देखिए, पानी हल्का गर्म हो गया है तो अब इसमें हम डालते हैं आधा चम्मच सौंठ का पाउडर। कुछ लोग मेरे वीडियोस पर पूछते हैं कि ये सौंठ का पाउडर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अदरक को सुखा कर कूट पीस कर ये पाउडर बनाया जाता है और ये सौंठ के नाम से ही किराना की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। तो ये हो गया एक ग्लास पानी में आधा चम्मच सौंठ का पाउडर। इसके बाद हम लेंगे ये सफेद तिल और इस सफेद तिल की भी आधी चम्मच भरकर इस पानी में डाल लेंगे। ये तिल हमको कच्चे ही यूज करने हैं, भूनने नहीं है। तो हमने एक ग्लास पानी में अभी तक दो चीजें डाली हैं। पहले हमने डाला आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, फिर हमने डाला आधा चम्मच सफेद तिल। अब हम एक और चीज इसमें डालेंगे और वो है एक चम्मच गुड़। ये एक चम्मच गुड़ हमने डाल दिया इस पानी में और अब हम इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से उबाल लेंगे। अब आप पूछेंगे कि इसको कितना उबालना है, तो लो फ्लेम पर उबालते उबालते जब ये पानी आधा रह जाए, यानी एक ग्लास का आधा ग्लास रह जाए, इतनी देर हम इसे उबाल लेंगे। ये देखिए, पानी उबल कर आधा रह गया है, तो अब हम इसको छलनी में से छान लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये हमारा इरेगुलर पीरियड ठीक करने का नुस्खा बनकर तैयार है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको कब और कैसे लेना है, क्योंकि दवा को लेने का सही टाइम और सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है। साथ में किसी भी बीमारी और दवा से जुड़े कुछ परहेज और कुछ सावधानी भी पता होनी जरूरी है, तभी वो बीमारी पूरी तरह ठीक होती है। तो जब ये ड्रिंक पीने लायक हल्का गर्म रह जाए, तब इसको चाय की तरह सिप करते हुए धीरे धीरे पूरा पी लेना है। ये आधा ग्लास ड्रिंक एक बार की डोज है, इसलिए इसको एक बार में पूरा खत्म कर देना है। इसको आपको रोजाना एक बार तो सुबह नाश्ता करने के आधा घंटे बाद पीना है, फिर एक बार शाम की चाय की जगह फिर से ये आधा गिलास ड्रिंक ताजा बनाकर पीना है। अगर शाम की चाय के बिना आप नहीं रह सकते, तो फिर आप चाय पीने के एक घंटे बाद इसको पिए। इस तरह आप एक महीने तक रोजाना सुबह शाम दो बार ये ड्रिंक बनाकर पिए। इसको आप किसी भी दिन से लेना शुरू कर सकते हैं। इस बीच में पीरियड आ जाए तो भी इसको लेना कंटिन्यू रखें, बंद नहीं करें। पूरे 30 दिन तक ये आसानी से बन जाने वाली चाय बनाकर पिए। इससे आपके इरेगुलर पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे, हर महीने टाइम से आएंगे। सिर्फ स्पॉट आता है तो वो भी ठीक होकर एकदम खुलकर पीरियड होगा, कभी मिस नहीं होगा, लेट नहीं होगा। एक ही महीने में दो बार पीरियड आने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और 2-3 महीने छोड़कर पीरियड आने की प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साथ में आपको ये सावधानियां भी रखनी है जो अब मैं बता रहा हूँ। तनाव से दूर रहने के लिए डेली योग और ध्यान जरूर करें, क्योंकि तनाव या स्ट्रेस इरेगुलर पीरियड्स होने का एक मुख्य कारण होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खाएं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर के सारे सिस्टम्स को क्लीन करती हैं, जिससे वो हमेशा ठीक तरीके से काम करते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये शरीर को कोई पोषण नहीं देते, बल्कि इरेगुलर पीरियड जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।